आज मैं आपके साथ बहुत ही स्वादिष्ट दही की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ हम दही लिए हैं, दही हमारी बिल्कुल ही फ्रेश ताज़ी दही है। तो दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। तो दही हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से मिल चुकी है। चलिए अब चलते हैं गैस की ओर। गैस पे पैन चढ़ा दिए हैं और अब इसमें हम डालेंगे तेल। तो एक चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे साबुत जीरा, दो सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग, और करी पत्ता। इन सबको अच्छी तरह से हम पकने देंगे। जीरा हमारा पक गया है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी प्याज, प्याज को अच्छी तरह से हमें सुनहरा भून लेना है। प्याज सुनहरा हो गया है। अब इसमें हम एक कटी हुई टमाटर डाल देंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ हम हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और अब इन सारे मसाले को मिला लेते हैं अच्छी तरह से। और अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इन मसालों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अब इसी जगह हम थोड़ा कसूरी मेथी डालेंगे और मसालों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। सारे मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, मसालों से ऑयल अलग होने लगा है। तो गैस का फ्लेम हम इस जगह पे बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा चला लेते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर दिए हैं और इसे इस तरह से चलाते हुए हम थोड़ा इसे ठंडा कर लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये फेटी हुई दही। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि दही तड़का बनाते वक्त दही फट जाती है। तो दही जब भी डालें गैस का फ्लेम बंद कर दें। इसमें हम थोड़ा पानी डालकर, हल्का सा पानी डालकर इसे हम इसमें डाल देते हैं और अब इसे हम मिलाते रहेंगे। ये दही तड़का बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो जब कभी आपको कुछ अलग बनाकर खाने का मन हो, आप इस तरह से दही तड़का बनाकर खाइए। आप इस रेसिपी के साथ दो की जगह चार रोटी खा लेंगे, ये इतना स्वादिष्ट बनता है। और ये रेसिपी राजस्थान की फेमस डिश है, तो आप भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरह से ठंडा कर कर दही डालने से दही बिल्कुल भी नहीं फटती है। दो मिनट इसे हम और पका लेंगे, लो फ्लेम पे ही पकाना है। दो मिनट के बाद ये दही तड़का बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हमारी दही तड़का बनके तैयार है, अब इसे हम सर्व करते हैं। ये हमारा राजस्थान का फेमस दही तड़के की रेसिपी बनके तैयार है। आप भी इस तरीके से दही तड़का बनाइए और इस दही तड़के को किसी भी चीज़ के साथ खाइए, ये बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो इस तरह से आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।